ओके सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट आई हैव दिस नंबर और मैं मान लेता हूँ कि ये टोटल जो सैलरी अकाउंट है, सैलरी अकाउंट में हमारे पास ये डेटा है, इतनी सैलरी हमने दिया हुआ है। तो मैं देखना चाहता हूँ इस मंथ में कितनी सैलरी एम्प्लॉय को दिया गया, टोटल करना चाहता हूँ। तो टोटल करने के लिए आप जो है इस ऑटो सम ऑप्शन का यूज़ करोगे, ठीक है। टोटल करने के लिए यू हैव टू सी दिस, यहाँ पर जाओगे और सेम ऑप्शन सम ऑप्शन का यूज़ करोगे। तो देखो यहाँ पर सम करके आपको राइट कर दिया, डाउन में टोटल ऐड कर दिया सबका, ठीक है। या दूसरा तरीका आपके पास है, यू कैन सी है यहाँ पर देखो फार्मूला राइट किया गया है, तो आप यहाँ पर फार्मूला डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दिस फार्मूला इसको कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर गए इक्वल टू, ध्यान रखना कि जब भी एक्सेल में फार्मूला राइट करोगे पहले इक्वल सिंबल, इक्वल टू सिंबल देना है, और एक्सेल जो है कम्प्लीटली फार्मूला बेसिस पर वर्क करता है। तो अभी हम लोग फार्मूला बेसिस पर जा रहे हैं, तो फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे इक्वल टू और लिखेंगे सम, ठीक है। सम लिखा और यहाँ पर सॉरी इक्वल टू सम, ठीक है, और पैरेंथेसिस को ओपन करोगे और जो सेल है उन सब सेल को सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं पूरे सेल को सेलेक्ट कर लिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर क्लोज कर दोगे पैरेंथेसिस को और इंटर प्रेस कर दोगे, तो देखो सम करके आपको ये टोटल नंबर दे देगा कितना इसका टोटल हुआ। क्लियर है, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? हाउ कैन यू सम दिस, ऐड द नंबर ऑफ द टोटल, यू कैन टोटल यू हैव देयर। तो आपको ऐसे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है अपने से मैनुअली, आपके पास फार्मूला है आप सेट कर दो यहाँ पर, ठीक है। आर यू गेटिंग? सो इन दैट वे यू कैन गो फॉर द सम फार्मूला हियर। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, वी हैव टू ऑल्सो यूज दैट। इसमें जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ सम हमने कर लिया, जब एवरेज निकालना हो मुझे इस टोटल नंबर का एवरेज कितना होगा, तो एवरेज पे क्लिक करोगे, ठीक है। यू हैव टू सी दिस, टोटल एवरेज विल बी कम्प्लीटेड हियर। सो एवरेज आपको निकल के आ गया 229.3, इसका जो एवरेज निकालोगे तो इतना आएगा। अब इसको आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ पर फार्मूला सेट कर दोगे। कैसे करोगे मैं आपको बता रहा हूँ, यू हैव टू गो हियर राइट फर्स्ट इक्वल, ठीक है। एवरेज लिखोगे, एवरेज यहाँ से सेलेक्ट करोगे एवरेज, ठीक है। एवरेज लिखा, सॉरी एवरेज लिख लिए, एवरेज को लिखने के बाद सॉरी फॉर दैट, एवरेज राइट किया, हमारे पास आया एवरेज, ओपन करोगे सेल को सेलेक्ट कर लोगे जहाँ तक आपको एवरेज निकालना है, ठीक है। फिर क्लोज कर दोगे, इंटर प्रेस कर दोगे, एवरेज आपको शो कर देगा यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है, सो यू कैन फाइंड आउट द सम टोटल नंबर्स ऑफ दिस एंड आल्सो यू कैन फाइंड आउट द एवरेज, ठीक है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस सेल में टोटल कितने नंबर है। तो मेरे पास देखो 3, 3, 6, 3, 9 एंड 10 इम्प्लॉई है, 10 इम्प्लॉई की सैलरी हमने दिया हुआ है। तो हम टोटल देखना चाहते हो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इम्प्लॉईज ये। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन यूज़ करूँगा काउंट नंबर्स, इसका यूज़ करूँगा, ठीक है। पहले सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं और काउंट नंबर्स पर जाते हैं, टोटल सेल पहले हम सेलेक्ट कर लें और उसके बाद हम जाएंगे काउंट नंबर्स। सो यू कैन सी 10 जो है टोटल है, यू कैन सी 3, 3, 6, 3, 9, 10 टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं, 10 है। तो टोटल आप काउंटिंग कर सकते हो, टोटल कितनी सैलरी आपने दिया हुआ है कितने लोगों को, तो आप यहाँ पर काउंट कर सकते हो ऑल द डेटा ये, राइट। कैन यू गेटिंग दिस पॉइंट, यस और नो? ऑल ऑफ यू गेटिंग? अब यहाँ पर देखते हैं टेक्स्ट वाले पर कि यहाँ पर काउंट करते कितने हैं टोटल। तो सॉरी, ओहो सर ब्लश ब्लश्ड आउट, सो नाउ वी आर कमिंग टू दिस पार्ट, वी हैव टू सेलेक्ट टू दिस। तो क्या ये टेक्स्ट को सेलेक्ट काउंट करेगा, वी हैव टू द काउंट। सो काउंट नंबर्स इज दिस सी वन, इट विल नॉट काउंट द टेक्स्ट, इट विल ओनली काउंट द नंबर्स, ओके। क्या कैलकुलेट करेगा, सिर्फ नंबर को कैलकुलेट करेगा, कैन यू सी। तो सिर्फ ध्यान रखेंगे कि ये जो एप्लीकेबल होगा
नंबर वाले पर अप्लीकेबल होगा, यू हैव टू द सी दिस, गेटिंग दिस पॉइंट। सो यू कैन यूज द सम नंबर्स, एवरेज एंड काउंटर नंबर्स। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि भाई मैंने किसको सबसे ज़्यादा सैलरी दिया, किसकी सैलरी सबसे हाईएस्ट है इसमें, ये मुझे चेकआउट करना है। तो इसके लिए मैं पहले सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और सेल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑटो सम में जाएंगे और मैक्स पर कैलकुलेट, मैक्स पर आपको इंटर कर देना है। सो सी, मैक्सिमम जो सैलरी है वो 678 है, सबसे मैक्सिमम नंबर है, ये सैलरी सबसे ज़्यादा है, ये आपको यहाँ पर शो कर देगा, ठीक है। यू कैन फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर। नाउ आई एम ऑल्सो गोइंग टू द टेल यू, आई हैव टू द सी विच सैलरी इज द मिनिमम, किसकी सैलरी सबसे कम है उसको मुझे शो करना है। तो यहाँ पर गया ऑटो सम में और मिनिमम पर क्लिक कर देंगे, तो मिनिमम जो है 32 सैलरी, 32,000 है, यू कैन सी दिस, क्लियर है। सो 32,000 इज अ लोएस्ट सैलरी, कैन यू सी ऑल ऑफ यू, आई होप एवरीबॉडी इज गेटिंग टू दिस, हाउ कैन यू यूज द ऑटो सम सो इन दिस मोमेंट, राइट। और इसके लिए आप फार्मूला भी यूज कर सकते हो, आपको अगर वहाँ नहीं है तो फार्मूला डायरेक्ट राइट कर लीजिए। तो कैसे राइट करोगे, इक्वल पहले राइट कर दोगे और मीन लिखोगे, मीन पैरेंथिस को ओपन करोगे, सेल को सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। सेल को सेलेक्ट करने पर पैरेंथिस क्लोज कर दोगे, इंटर प्रेस कर दोगे, तो मिनिमम नंबर आपको शो कर देगा, क्लियर है। ठीक इसी तरीके से आप मैक्सिमम फाइंड आउट करना चाहते हो कि मैक्सिमम नंबर कौन सा है, तो मैक्स यूज़ करो, पैरेंथिस ओपन करो, सेल को पहले सेलेक्ट कर लो पूरे सेल को, ठीक है, क्लोज कर दो पैरेंथिस को, इंटर कर दो, यू कैन सी मैक्सिमम नंबर, क्लियर है। तो फार्मूला आप इस तरीके से सेट कर सकते हो सेल्स के अंदर, और यू कैन फाइंड आउट द सम, एवरेज, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर, एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द काउंट ऑल द नंबर्स, हाउ मेनी इज देयर, राइट। सो इन दैट वे यू कैन यूज दिस ऑटो सम फंक्शन। आई होप एवरीबॉडी इज गेटिंग टू दिस पॉइंट, राइट। सो थैंक यू टू वॉचिंग दिस सेक्शन।